Assalamu alaikum, I am Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the fifth part of the eighth lecture of Web Design and Development course. In this lecture, I am going to show you how to change font style of your text in any web page. For this, we will use the Google Fonts. So, how will we use the Google Fonts? So, let us study. HTML provides some standard fonts such as Arial, Verdana, etc. कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल तो हमारे पास HTML में पहले से अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, 6-7 तकरीबन इस तरह के स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल्स है, एरियल, वर्डेना और इस तरह, जिसके थ्रू आप अपनी फ़ॉन्ट के जो विजिबिलिटी या जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट लाइक दीज स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स, देन गूगल प्रोवाइड मोर देन 1000 फ़ॉन्ट्स फॉर यू। अगर आपको ये पसंद ना हो तो गूगल फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स है। एंड दीज आर आर फ्री एंड ओपन सोर्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स फ़ॉन्ट्स फॉर लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। गूगल फ़ॉन्ट्स जो है वो उर्दू, अरबिक और इस तरह और लैंग्वेजेस के लिए भी फ़ॉन्ट्स जो है प्रोवाइड करता है। एंड इट्स आल्सो वेरी ईजी टू सर्च एंड यूज़ फ़ॉन्ट्स फ्राम गूगल फ़ॉन्ट्स लाइब्रेरी। सो लेट अस सी हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, सो इस तरह करते हैं कि गूगल फ़ॉन्ट्स का जो अपना वेबसाइट है उसको विज़िट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट में उसको एम्बेड करेंगे। सो ये हमारा वेब पेज है जो हमने क्रिएट किया है और अभी तक हम इसमें काम कर रहे हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल है ये आपको नज़र आ रहा है, एरियल है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं चेंज कर दूँ। सो फॉर दिस यू हैव टू विज़िट fonts.google.com। इस वेबसाइट को आपने विज़िट करना है। यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, देखें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आपको उर्दू, इंग्लिश, अरबिक और बहुत सी लैंग्वेजेस के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पसंद हो वो आप किस तरह पिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये स्टाइल पसंद है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको नज़र आएगा ये टेक्स्ट। अगर आप कुछ और प्रीव्यू करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ प्रीव्यू करना चाहता हूँ दिस इज़ वेब डिज़ाइन एंड डिवेलपमेंट कोर्स बाई स्टडी पेज। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर अभी नीचे देखिए दिस इज़ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स बाई स्टडी पेज। ठीक है, और आपको यहाँ पर इस तरह ये नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ये फ़ॉन्ट पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दें, ये इस तरह होगा, सिलेक्ट रेगुलर फ़ॉन्ट। यहाँ से आप इसकी क्या कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये फ़ॉन्ट पसंद है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ सेलेक्ट रेगुलर 400 इस पर क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज़। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको ये लिंक टैग नज़र आएगा और इसके साथ साथ ये यहाँ पर जो CSS प्रॉपर्टी है ये नज़र आएगी। तो इन दोनों को आपने कॉपी करना है, क्योंकि ये लिंक स्टाइल है, ये इस फ़ॉन्ट की CSS को लिंक करता है। ठीक है, यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर इसको आप पेस्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, लिंक्स को, और इसके बाद CSS फैमिली है। तो जिन जिन एलिमेंट्स के फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे वेबसाइट के अंदर जो पैराग्राफ है उनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो, बाकी का स्टाइल चेंज ना हो। और अगर आप चाहते कि नहीं, पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो, तो देखिए स्टाइल टैग में आप जिन जिन एलिमेंट्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, वो कस्टम CSS के थ्रू लिखेंगे। ठीक है, किस तरह कस्टम? यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जितना भी कंटेंट मेरे वेबसाइट के अंदर है तो सब का स्टाइल चेंज हो, तो इसलिए मैंने बॉडी टैग के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पेस्ट की। और ये भी आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा पुराना फ़ॉन्ट स्टाइल है, अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी देखें ये नया फ़ॉन्ट स्टाइल इसको मिल गया। और चूँकि मैंने इसको बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, तो बॉडी के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स आते हैं सबका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। सो दिस वॉज हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल। और इसी तरह आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट्स में फिर हम मैं आता हूँ तो देखें यहाँ पर आपको अरबिक, उर्दू और मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेजेस के लिए इस तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद हो तो सेम वही स्टेप्स है, इस किसी भी स्टाइल को आप आसानी से पिक कर सकते हैं। ओके, सो आपको ये कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप ये कोड जो है कॉपी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।